कामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। माधवा थाना पुलिस ने पकड़ी अवैध कट्टा फैक्ट्री, फैक्ट्री संचालक व खरीदार गिरफ्तार। एसपी छतरपुर ने पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया खुलासा। छतरपुर जिले के माधवा थाना पुलिस को रोड पेट्रोल के दौरान ग्राम नीम टोरिया बोदौर में अवैध हथियार बनाकर भेजने संबंधी सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुखलाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सुखलाल विश्वकर्मा अवैध हथियार देसी कट्टा निर्माण का कार्य करता था। पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण सामग्री, औजार, अवैध हथियार, कारतूस सहित अन्य सामग्री बरामद की। साथ ही फैक्ट्री संचालक सुखलाल द्वारा विक्रय किया गया 315 का देसी तमंचा और उसका खरीदार तिलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 6 माह में जिले में लगभग 200 से अधिक अवैध हथियारों के मामलों में कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इसी घटना के सिलसिले में आज एसपी छतरपुर अगम जैन ने पुलिस लाइन परिसर में अवैध हथियार कट्टा फैक्ट्री के खुलासा करने की जानकारी दी। ये आप देख रहे हैं, छतरपुर पुलिस जो है लगातार अवैध हथियार, अवैध गतिविधियां, अवैध हथियार फैक्ट्री संचालन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि थाना मादगुआ में नीम टोरिया बिडौर करके गांव है, जहां कुछ व्यक्ति अवैध फैक्ट्री संचालन का काम कर रहे हैं। इसके वेरीफाई करने के लिए हमने एसडीओपी बिजावर शशांक और साथ में थाना प्रभारी मादगुआ जो है प्रदीप, इनको निर्देशित किया सर ने। और प्रॉपर जब हमें वेरीफाई हो गया, उसके बाद वहाँ पर दबिश दी गई। दबिश में स्पॉट में हमने पकड़ा सुखलाल विश्वकर्मा, जो उसी गाँव का था, जो अवैध देसी कट्टा बनाने का काम करता था। उससे और पूछताछ की गई तो पूछताछ में एक और नाम आया, तिलोक सिंह चौहान, जिसके माध्यम से ये बेचता था। उसको भी हमने राउंड अप किया है और मौके से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कुछ कट्टे मिले हैं 315 बोर के, 312 बोर के, कुछ अध बने हुए हैं यानी कि जो प्रोसेस में थे। बहुत से टूल्स मिले हैं हमें जो इन सबका उपयोग किया जाता था, और कुछ पार्ट्स मिले हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। सभी चीज़ों को हमने जब्त किया है और आर्म्स के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय समक्ष इनको पेश किया जाएगा। कुल कितने आरोपी बनाए? अभी हमने 2 आरोपी बनाए हैं और इनसे अभी पूछताछ हो रही है। बहुत इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। इसमें आगे जो भी नाम आएंगे उनके खिलाफ भी हम इसमें कार्रवाई करेंगे।